तो चलिए हम बात करते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल की बाय टॉकिंग अबाउट बोर ने क्या क्या पॉस्चुलेट्स दिए हैं उस एटॉमिक मॉडल के बारे में बोर के एटॉमिक मॉडल के चार इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं जो पहला पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि, कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स uh, जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स सर्कुलर पार्ट्स में रिवॉल्व करते हैं और इन फिक्स सर्कुलर पार्ट को बोर ने नाम दिया ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स इनको इसीलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इन पार्थ्स की एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होती है और रेडियस भी कॉन्स्टेंट होती है ये पॉस्टुलेट की इंपॉर्टेंस ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक को एलिमिनेट कर देता है रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करे तो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएगा बट बोर ने कहा कि एनर्जी क्योंकि कॉन्स्टेंट वो एनर्जी लूज नहीं करेगा कोलैप्सिंग कभी होगा नहीं ये जो पार्थ्स हैं इनको नंबर दिया जाता है न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला पाथ है उसको नंबर दिया जाता है एन इक्वल टू वन ये n क्या है हम आगे देखेंगे और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं हम न्यूक्लियस से हर पाथ को वन टू थ्री ऐसे नंबर दिया जाता है जो एन इक्वल टू वन वाला जो पाथ है उसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं हम एंड दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोर एंड वी नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन बोर का जो दूसरा पॉस्टुलेट है वो हमें ये कहता है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट तब तक चेंज नहीं होती जब तक उसमें हम एनर्जी ऐड या रिमूव नहीं करते अगर हम ना एनर्जी ऐड करें या ना रिमूव करें तो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमता रहेगा जिस पाथ में वो पहले से ही घूम रहा था ये जो अलग अलग हैं, इनकी अलग-अलग एनर्जी -अलग होती है और हम लेटर ये देखेंगे कि इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एन इक्वल टू वन वाला जो पाथ है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है तो अगर हम एनर्जी एड करें किसी इलेक्ट्रॉन पे तब होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लोअर एंड से हायर एन पे जंप कर जाएगा क्योंकि हायर एन पे ज्यादा एनर्जी है तो वो ऊपर जंप कर जाएगा और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करे हम इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हटा दें तो बाहर वाली स्टेट से अंदर वाली स्टेट पे चला जाएगा जो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है और सबसे ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट जैसे जैसे आप बाहर जाते रहते हो एनर्जी बढ़ती रहती है सो आई होप आप सेकेंड पॉस्टुलेट समझ गए अब अगला पॉस्टुलेट देखते हैं बोर का जो तीसरा पॉस्टुलेट है वो ये बताता है कि एटॉमिक की ओरिजिन क्या है हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जम कर जाता है सो ये जो एनर्जी का लॉस है वो रेडिएशन के टर्म्स में मैनिफेस्ट होता है और उस रेडिएशन की वेवलेंथ बोर का मॉडल बताता है Tells us that the wavelength of radiation emitted, वो टेल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड वो डिपेंड करता है जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन की स्टेट है और फाइनल इलेक्ट्रॉन की स्टेट है इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है स्पेसिफिकली वो स्टेट दैट एच सी बाई लामडा जो भी एनर्जी रेडिएशन एमिटेड है अगर उसकी वेवलेंथ लामडा है तो एच सी बाई लामडा उस रेडिएशन uh, की एनर्जी होगी

E3 minus E2 will be equal to Hc by lambda. h ई टू है, c टू एच सी है, उससे हमें प्लैंक की वैल्यू मिल जाएगी एनर्जी तो डिफरेंस ही एक्सप्रेशन देता है अब हमने यह देखा था पहले पॉस्टुलेट में कि हर एक स्टेट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है अब कुछ ही फिक्स स्टेट्स हैं मतलब एनर्जीज भी कुछ ही होंगे मतलब एनर्जी लेवल्स की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होंगे फॉर एवरी स्पीशीज अब अगर ई वन ई टू थ्री फोर एंड ई फाइव एन सो वन ये फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं अलग अलग डिफरेंसेस लो उनकी भी कुछ फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज होने वाली है सो so, जो एनर्जी डिफरेंसेस है उनकी भी फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज हैं और हमने ये देखा कि एनर्जी डिफरेंसेस एच सी बाई लैमडा तो एनर्जी डेल्टा ई की अगर फिक्स्ड वैल्यूज हैं तो लैम्डा की भी फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज होंगी और इसी चीज को जब किसी भी क्वांटिटी की फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज होती है हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज है इसका मतलब है कि लैमडा जो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रा वो क्वान्टाइज है इसीलिए हमें एमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ ही लाइंस दिखती हैं सो आई होप इससे आपको क्लियरली समझ गया है कि कैसे बोर के पॉस्टुलट से एस्टैब्लिश हो जाता है कि एमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ ही लाइंस होती है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है बोर का जो फाइनल पॉस्टुलेट है वो बात करता है अबाउट अ क्वांटिटी कॉल्ड एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ़ एन इलेक्ट्रॉन अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जब भी कोई स्पीशीज एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक जिसकी r है और, अगर उस स्पीशीज का उसकी वेलोसिटी द टेंजेंट वी है हम कहते हैं कि उसकी एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड एम वी आर होती है अब लेटर देखेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बट हम अब हम उसके बारे में अभी डील नहीं करेंगे राइट सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑफ सच सच अ पार्टिकल इज बोर का कहता है कि, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन uh, का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज होता है कुछ ही वैल्यूज लेता है और ये कौन से वैल्यूज लेता है ये वो वैल्यूज लेता है इट इट आइदर इट टेक्स वैल्यूज विच आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एन एच बाई इंटीजर है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम या तो वन एच बाई टू पाई ले सकता है या टू एच बाई टू पाई की वैल्यू ले सकता है थ्री एच बाई टू पाई ऐसे ही वैल्यूज ले सकता है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंगुलर मोमेंटम पॉइंट फाइव एच बाई टू पाई है या पॉइंट सिक्स एच बाई टू पाई ऐसा कभी नहीं होगा एन की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर रहेगी ये जरूरी इसीलिए क्योंकि ये बताता है कि कुछ ही फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है और वो वही वैल्यूज हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम की ऐसी वैल्यूज आए सो दिस इज द फाइनल पॉस्टुलेट ऑफ बोर विच स्टैब्लिश दैट कुछ ही ऑर्बिट्स होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है एज डिक्टेटेड बाय द लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम